का ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जी हां, सरकार की पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने के वकील जो है पंचायत चुनाव में आरक्षण पर अपना पक्ष रखेंगे। बता दें आपको, सरकार आज अपना पक्ष रखेगी। मध्य प्रदेश सरकार के वकील पंचायत चुनाव में आरक्षण पर अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही बता दें आपको कि आज ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार की पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार के वकील पंचायत चुनाव में आरक्षण पर अपना पक्ष रखेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सरकार की पुनर्विचार याचिकाओं पर दिल्ली सुनवाई। मध्य प्रदेश सरकार के वकील पंचायत चुनाव में आरक्षण पर रखेंगे अपना पक्ष। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बता दें आपको कि सरकार की पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार के वकील पंचायत चुनाव में आरक्षण पर अपने पक्ष रखेंगे। तो बता दें आपको कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, कई सारी समितियां बन चुकी हैं और अब जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। सरकार की पुनर्विचार याचिकाओं पर ये सुनवाई होगी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के वकील जो है पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि अवस्थी जी, आज फिर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पहले 3 जनवरी को सुनवाई थी लेकिन मांग पर इसको 17 जनवरी कर दिया गया और इसमें जो 3 याचिकाएं लगी है, एक तो राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, दूसरी केंद्र सरकार ने भी कुछ को बाकी बनाने का आग्रह जो अपील जो है वो नोट कोर्ट से की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो पिछड़ा वर्ग संगठन है उनकी तरफ से भी याचिका इसमें दायर की गई। दरमियान जो है राज्य सरकार ने देखी काफी कुछ तैयारियां कर ली है, जिलों से जिला कलेक्टर के माध्यम से जो आबादी का आकलन वाली रिपोर्ट है वो मनाई गई है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की बैठक की गई है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद की उप समिति भी इस आयोग की रिपोर्ट पर अंतर्चर्चा के लिए मंत्रिपरिषद उप समिति भी गठन किया गया है। ऐसी तमाम तैयारियां जो है कर गई ताकि मजबूती के साथ सरकार अपना पक्ष रखे। इसके अलावा देखिए, जो प्रदेश के सरकारी विभागों में जो ओबीसी के करीब 22,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं उनकी भी जानकारी जुटाई गई है। सरकार जो है, सरकार का पूरा प्रयास है कि ओबीसी वर्ग के लिए पक्ष जो है मजबूती के साथ सरकार रखे ताकि उनको 27% आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन अन्य देखिए, जब मध्य प्रदेश में पहले ही करीब आरक्षण का प्रतिशत 63% पहले से ही है, तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले भी जो निर्णय दिया उसे देखते हुए लगता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण कैसे हो पाएगा, इसको लेके दुविधा बनी हुई है। जी, बहुत धन्यवाद रवि वसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल बता दें आपको कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। साथ ही सरकार की पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार के वकील पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर अपना पक्ष रखेंगे।